हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का मेरा टॉपिक है साइलेंस इजंट इट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। अब ये क्या मतलब है? अब अगर आप इसको हिंदी में मतलब करेंगे तो बहुत अजीब सा बन जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो साइलेंस होता है वो साइलेंस नहीं होता, उसमें बहुत सारे आंसर छिपे होते हैं। अब यही चीज़ दो चीज़ में काम आती है, एक प्रैक्टिकल लाइफ में और एक थिएटर लाइफ में। थिएटर लाइफ में कैसे काम आती है? ऐसे काम आती है कि मैं एक्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो और नॉन एक्टर्स भी सुन सकते हैं, कि जब आप कोई सीन कर रहे हैं राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बोलना है। जब कोई चीज़ आपके अंदर चल रही होगी ना, तो वो दिख जाएगी। बोला ना कि उसी में आपके साइलेंस में ही आंसर हैं राइट। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप देखिए ना, इरफान खान साहब कैसे एक्टिंग करते थे। उनमें एक कहते हैं ना, समुद्र था, साइलेंस था उनके अंदर। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अंदर एक साइलेंस है। आप सोचिए, ये बड़ी अच्छी होती है। एक डॉन मूवी में जो डॉन होता है, गैंगस्टर होता है, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से वो कैसा रोल प्ले कर सकता है? अगर आप डॉन हैं या मैं डॉन हूँ, तो कैसा करेंगे? पता है हम कैसा करेंगे? हम वो करेंगे जो हमने देखा है, जो हमने पढ़ा है, जो पिक्चरों में देखा है, क्लीशे। अगर आपने कभी रियल देखा हो, कोई जैसे छोटा मोटा गुंडा होता है, आपने देखा हो, तो आप देखिएगा कि वो कभी भी चिल्लाते नहीं हैं रियल में। मैं बता रहा हूँ कि हमारे कॉलोनी में एक भैया थे, हाँ, तो उनकी काफ़ी वो था, अच्छे थे वो, पढ़ने में भी ठीक थे, लोग ने बहुत लाइक करते थे, तो लोग उनसे डरते थे। तो एक दिन मुझे नहीं पता था, मतलब उनका नाम सुना था मैंने, तो मैं एक दिन शादी में गया, मैंने देखा तो सब कह रहे यार वो खड़ा है, कौन नाम था उनका कोई। तो मैंने बोला ये क्या हुआ, ये तो हाइट में 5 फुट है, इसको तो कोई भी मतलब ऐसे मार के भाग सकता है, ऐसे मतलब डांट के भाग सकता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला यार नहीं यार, ही इज़ वेरी मतलब बहुत ब्रेव है। तो ये होता है। अब ये क्या है कि जैसे आपकी ये पंकज त्रिपाठी साहब है हमारे राइट, एक वेब सीरीज़ आई थी, आप देख सकते हैं उसको, पाउडर वेब सीरीज़ का नाम। अब पाउडर जो वेब सीरीज़ थी, उसमें उनका रोल था गैंगस्टर का। अब गैंगस्टर का मतलब छोटा मोटा जो होता है, बिजनेस गैंगस्टर भी टाइप होते हैं। गैंगस्टर का मतलब ये नहीं कि कोई आपको ऐसे कुछ भी कर देगा। गैंगस्टर का मतलब था कि वो शायद उनका कुछ बिजनेस था, मे बी कुछ था, गलत तरह का बिजनेस था। अब कैसे बात करते थे वो, तो उनके भाई को पकड़ लिया, छोटे भाई को पकड़ लिया, किसी डील के लिए गया था, तो ही वॉज़ लाइक बहुत नॉर्मल थे वो। उसके अपने जब भाई को समझाया उन्होंने, तो बोला तो ऐसे समझा देते कि ये करना है तुम्हें, बस देख लो कैसे करोगे। ये था। अब ये नहीं है कि चिल्ला रहे तुम्हें करना है ऐसे, मतलब वही है कि हम होते हैं लोग ऐसे, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा एक्टर वो होता है जो वो दिखाए जो बहुत कम चीज़ दिखती है राइट। अगर मैं 10 लोगों को देखता हूँ ऐसे सेम, मैंने ये नहीं कहा नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा दिख जाए, बोलेंगे यार ये मैंने सोचा था, मैंने सोचा कि गैंगस्टर ऐसा भी होता हुआ राइट। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।